차야 두들고 봐야
सबमरीन इतनी बड़ी थी, मिली थी सबमरीन, तो इसमें कैसा मालूम है, जो पुरानी सब फर्स्ट सबमरीन थी जो ख़राब हो गई थी, मतलब जो यहाँ तो ख़राब हो गई थी, तो उसको लेकर के हम बिठा दिए करे। तो इसमें क्या है, मतलब ज़्यादा मतलब ट्रैवल कर देख रहा था कुछ नहीं, मतलब हाँ पहले ज़माने में ऐसी सबमरीन थी, पानी के अंदर जो रहती थी, उसमें सिस्टम करता था, जो संभालते थे सबमरीन के अंदर जो पानी के अंदर, तो लोगों तो पता है इंसान जिंदा रह सकता है पानी के अंदर, तो ये मशीन लेके जाके ना जिंदा रहते थे, तो इसमें कैसा रहते थे, कितने लोग रहते थे, क्या क्या है पूरा, तो इसमें डिटेली हर कंपार्टमेंट के हिसाब से जान जो लगे वाला उसके ऊपर लोग नोटिस बोर्ड लगा जिस लिखे वाला है, जो जो नोटिस है जो वो हिसाब से पढ़ लेते पंजी ले सकते। तो बहुत अच्छा है सबमरीन भी, अच्छा है एयरक्राफ्ट भी अच्छा है, जो अपने को देखने को मिला। एक टाइम पे अपन एयरक्राफ्ट में बैठ के जा सकते, लेकिन सबमरीन में तो क्या ये किस्मत तो बैठ सकते हैं तो नहीं। तो अभी एक दिन का कंप्लीट सुबह से फिर रहे थक गए, तो एक दिन का व्लॉग यहाँ कंप्लीट होता है, पार्ट टू का व्लॉग कल से शुरू होता है। तो अभी रूम पे जाना है, खाना खाना है, फिर देखते कल सुबह मॉर्निंग दूसरी जगह पे जाना है, तो वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते। न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, लाइक शेयर कमेंट, और आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मैं पर मेरी आईडी डाल रहा हूँ MM21, मुझे फॉलो कर लेना अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द।